नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। अपनी जिंदगी का एक बहुत लंबा वक्त कांग्रेस को देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। जहां एक तरफ सिंधिया का ये कदम बीजेपी के पक्ष में साबित हुआ, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया ने कांग्रेस को लेकर कई बार बयान दिए। उनके बयानों से उनका दर्द साफ तौर पर छलका और ये महसूस हुआ कि कांग्रेस ने सिंधिया के साथ कैसा बर्ताव किया है। खैर, अब वक्त बदल चुका है और बीजेपी ज्वाइन करने के कुछ वक्त बाद सिंधिया को मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया है। सिंधिया अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं और इसी बीच मोदी सरकार ने उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री सिंधिया को भोपाल के पौश श्यामला हिल के इलाके में सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, जिसमें वो शिफ्ट हो गए हैं। अब से वो अपने सरकारी बंगले B5 में रहा करेंगे। यहाँ पर उनके पड़ोसी प्रदेश के दो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उमा भारती हैं। जिस वक्त सिंधिया अपने नए आवास पर पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए उनके तमाम समर्थक वहां खड़े नजर आए। आपको जानकर ये हैरानी होगी, सिंधिया पिछले 3 साल से भोपाल में अपना बंगला तलाश रहे थे। इतना ही नहीं, जिस वक्त वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस की चुनाव अभियान समिता के हिस्सा थे, तब भी वो भोपाल में एक ठिकाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उनको ठिकाना देने में असमर्थ साबित हुई। खैर, फिलहाल सिंधिया का भोपाल में ठिकाने का सपना पूरा हो गया है, यानी अब कभी भी सिंधिया भोपाल जाएंगे तो यहाँ पर उनका अपना स्थायी पता होगा, उन्हें किसी होटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं सिंधिया के इस रॉयल हाउस की, जो किसी भी लिहाज से कमतर नहीं है। बंगले का मुख्य द्वार बेहद खूबसूरत है और इसे महल नुमा लुक दिया गया है। ताजुब की बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये इकलौता ऐसा बंगला है जिसे ऐसा लुक दिया गया है। जैसे ही घर में एंट्री होगी, एक हरे रंग का बड़ा सा दरवाजा आपको दिखाई देगा। इसके दोनों हिस्सों पर कोने वाली दीवार में राजघराने के ध्वज वाले सर्व निशान की आकृति बनाई गई है। अब चूंकि सिंधिया ग्वालियर राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे में उनके बंगले को भी शाही लुक दिया गया है। बंगले के गृह प्रवेश के लिए जब सिंधिया आए, तो उन्होंने कांग्रेसियों को भी जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ना जाने क्यों कांग्रेसियों को उनसे बहुत खुजली होती है। अब तो वो बीजेपी में है, लेकिन फिर भी कांग्रेसियों की खुजली कम नहीं हुई है। सिंधिया के इस महलनुमा आवास को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।